आती है। इस तरह हमारे को निज़ाम कायम करनी चाहिए, यानी उमूमी खिदमत के निज़ाम कायम करने चाहिए। मुस्लिम औरतें, बेवा औरतें, तलाकशुदा औरतें, जो जिनका कोई नहीं है, माजूर है, लंगड़े लूले, उनके लिए इंतज़ाम, सिलाई मशीन के इंतज़ाम, कुछ भी नहीं हम, क्योंकि हम ना तो उनको कुछ भी नहीं कर रहे, या तो क्या कर रहे हैं, जो आदमी के बोले हम ज़कात देते हैं ना, अब आदमी उसकी कितनी ज़कात निकली, 10,000 रुपये, अब 10,000 रुपये लेके क्या करता है वो, ज़कात लेके निकला और सबको ये 200 तू पकड़, 500 तू पकड़, तू 50 तू ले करके पूरी शाम तक ज़कात, वो ज़कात बांट के आ गया 10,000 रुपये, कितने को बांटी, 100 जने को बांट के आ गया, 100-150 जने को, तुमने तो भीख मंगाया, भीख मंगा ही रखा उसको, उस नजम भी नहीं, उसका नजम नहीं कि ज़कात को इकट्ठा करे, एक आदमी को एक औरत को ढूंढता हो 10,000 रुपये थे और उसको एक सिलाई मशीन लगा कर देता, या उसको कोई एक दुकान लगा के देता, ठेला लिखा कर देखा, तो एक आदमी हमारे समाज में से कम हो जाता, वो खुद पर डिपेंड हो जाता, तो वो नजम भी नहीं हमारे पास में कि हम वो नजम कायम करें, तो उसको भी हम चिल्लर करते रहते हैं। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि लोग क्या करते हैं कि चिल्लर के जो है बोरे भर के बैठते हैं, रमजान के अंदर ज़कात देना है तो वो बोरे भर के बैठे हैं, बोरे चिल्लरों के, कि वो इतनी ज़कात सेठ साहब की निकलेगी, तो कोई आता है तो सीधा वो क्या करते हैं, वो आता है अनाज, अनाज जो लेने के निकालने का आता है, वो सकोरा, वो सकोरे से पूरा भर के ना उसके डाल देता है, जाओ गिनते रहना, ऐश कर, ये क्या तुमने कर रखा चिल्लर, मतलब ये ऐसे नजम, ये कुछ ज़कात को बिगाड़ दिया हमने पूरा ज़कात के सिस्टम, तो उसका भी हमारे पास नजम नहीं, तो असल हमारे पास नजम की ज़रूरत है, हम नजम उनको करें। और ये कोई भी और भी कई बातें इसमें रखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास वक्त भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी मैं बताऊँ कि किसी के साथ में भी मिलकर भी काम किया जा सकता है। अब नहीं है नजम तो क्या करें, अब हमारा नजम बनेगा तब करेंगे क्या काम, क्या मुसलमान कोई बड़े बनाएंगे तो नजम में फिर काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह मायदा 100:5 आयत 2 में अल्लाह ने फरमाया ताअवनु अला बिर्र व तक्वा, कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई काम से जुड़ हो जाओ। तो वो नेकी का काम चाहे वो गैर मुस्लिम भी कर रहा हो, और अगर नेकी का काम करता है कि चलो वो जा रहा है तो उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाना तो फिर ये कुरान की बात, कुरान यही कह रहा है, कोई भी नेकी का काम करे तो फ़र्क नहीं किया, मुसलमान करे जो भी कर रहा है, आपके पास नजर हुई तो उसके साथ में जाकर आप काम को सीखो कि कैसे होता है, आपके पास ताकत आ जाए, आप इकट्ठे हो जाएं तो अपना नजम कायम करो, सीखना भी तो पड़ेगा कैसे चलता है नजम, तो उसके साथ भी आप काम करो, ये भी हमको इसके अंदर मिलता है। और यहाँ तक कि इसके लिए एक रिवाल जो है इरवाउल गलील की एक जो है रिवायत है, जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल ने फतेह मक्का के बाद में फरमाया और उसके अंदर कहा कि एक कमेटी थी, हिज हिल्फुल फजूल, फजूल कमेटी करके उसका एक नाम था, जो क्या करती थी कि जो कबीले दूसरे कबीले पर जुल्म करते थे, तो वो एक कमेटी बनाई थी, उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कब, जब फतेह मक्का के बाद में, कि एक कमेटी थी और ऐसी कमेटी आज भी बने, अब ये नहीं कहा कि मुसलमान बनाए, ये कमेटी आज भी बने तो मैं उसका मेंबर हूँ, अल्लाह के रसूल उसके मेंबर थे, क्योंकि वो जुल्म को रोकती थी, दूसरा कबीला किसी पर जुल्म नहीं करे, एक कमेटी जिसका नाम सिकाया था, जो वहाँ पर पानी पिलाने का काम करती थी, तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर ये सिकाया जैसी कमेटी बने, अब उसमें कोई मुसलमान बनाए वो नहीं, ये बने तो मैं सबसे पहले मेरा नाम मेंबर उसका मैं बनना चाहूँगा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमको ये है कि भले ही दूसरे के नजम के साथ भी हमको मिलकर काम करना पड़े, नेकी का काम है तो हम उसको ज़रूर करें, उसके काम को सीखें और करें, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं।